कितने लोगों ने फतवा दिया, मंजन करोगे रोज़ा रख कर रोज़ा टूटेगा। कुछ लोग रोज़े में गुल करते हैं, गुल इधर गुल करता है हाँ। अच्छा कितने लोगों ने फतवा दिया, कुछ लोगों ने फतवा दिया, अब फतवा के गुल करे वाला फतवा दे जे बोले गुल रखे तो रोजा नहीं टूटे जे के कहलको रो गुल रखे तो रोजा नहीं टूटे जे हो। हाँ सुनो, मंजन करोगे रोज़ा रख कर रोज़ा टूटेगा, गुल करोगे रोज़ा टूटेगा, खैनी खाओगे रोज़ा टूटेगा, बीड़ी पियोगे बीड़ी रोज़ा टूटेगा, सिगरेट पियोगे रोज़ा टूटेगा, हुक्का पियोगे रोज़ा टूटेगा। इंशाल्लाह पियेंगे मैं देखिए। अरे रोज़े कितने हैं, 30 30, लेकिन रोज़े रमज़ान में एक से एक रोज़ेदार मिलेगा। एक रोज़ेदार वो है रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा। बोलो बात सही की गलत है, बोलो। रोज़ा नहीं रखेगा, इफ्तारी में सबसे पहले बैठेगा, एक रोज़ेदार वो है। अरे रोज़ा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा। रोज़ा नहीं रखेगा, सेहरी भी नहीं छोड़ेगा, आ एक रोज़ेदार वो है, पहला रोज़ा रखेगा, पहला जो रोज़ा रखेगा, आ 29 रोज़ा छोड़ देगा, आ 30वां रोज़ा रखेगा। पहला रखा लास्ट रखा, एक नौजवान को पकड़े हमने, कहा कि काबे पहला रखा 28 छोड़ दिया और लास्ट वाला रख रहा का है, वो रोज़ा कहाँ ने रखा। बोला हजरत आप समझे नहीं, हम रोज़ा को घेर दिए। हमने कहा का रोज़ा भागा जा रहा था का। ए नौजवानों, अच्छा एक रोज़ेदार वो भी है, वो रोज़ेदार तो नहीं कहेंगे, ईद बाद लड़के की शादी है, ईद बाद लड़के की शादी है, ईद के 2 दिन 4 दिन 5 दिन के बाद नौजवान लड़का है, शादी है, उसकी माँ कहती है कि बेटा रोज़ा मत रखिए, गाली पिचकी तुम दूल्हा बनोगे। ए नौजवानों कसम खुदा की, रोज़ा रखो, नमाज पढ़ोगे, ज़कात दोगे, हज करोगे, ये सारे इनाम अल्लाह फरिश्तों से दिलवाएगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरा रब ऐलान करता है कि लोगों मेरे बंदो तुम रोज़ा रखो, रोज़े का बदला मैं अपने हाथों से दूंगा, अल्लाह अपने हाथों से देगा रोज़े का बदला, रोज़े का इनाम मेरा अल्लाह अपने हाथों से देगा। और अल्लाह का इनाम कितना खूबसूरत इनाम होगा, अल्लाह का इनाम कितना बड़ा इनाम होगा। इसलिए मुसलमानों रोज़े की पाबंदी करना, रोज़े को पाबंदी से रखना अल्हम्दुलिल्लाह। और एक बार अल्लाह कुरान में कहता है शहरो रमदान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरबान जाओ रमज़ान का महीना वो महीना है कि जिस महीने में हमने कुरान को नाजिल किया। रोज़े कितने हैं, बोला इंशाल्लाह नहीं, पाबंदी के साथ, तकवे के साथ, परहेजगारी के साथ रोज़ा रखेंगे मेरे बच्चों। एक बात याद रखो, रोज़ा रखने से आदमी कमज़ोर नहीं होता है, इंशाअल्लाह अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। इंशाअल्लाह कमज़ोर हो रोज़ा रखो, मेरा अल्लाह ताकतवर बना देगा। इंशाअल्लाह अल्लाह बदन के अंदर में खून पैदा फरमा देगा। रोज़ा रख कर तो देखो इंशाअल्लाह, 300 रोज़े रख लो इंशाअल्लाह अल्लाह मेरा वो इनाम देगा जो तुम सोच नहीं सकते। हमारी माँ बहनें आई, मेरी माँ बहनों तुम्हारे लिए चार बातें मेरी माँ बहनों कुर्बान जाओ। हमारी माँ बहनें कह रही होंगी, सोच रही होंगी कि मौली साहब खाली मर्द के लिए तकरीर करे जे, हम रोज़ी तकरीर नहीं करे जे। अच्छा बताओ घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अरे घर में मर्द को झाड़ू लगाना चाहिए कि नहीं चाहिए। अभी हमारी माँ बहन सोच रही कि मौली साहब ठीक पॉइंट पकड़ गए, ये भी नबी की सुन्नत है, घर में झाड़ू लगाना नबी की सुन्नत है, आटा गूंदना नबी की सुन्नत है। अम्मा आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अनहा की उम्र कम थी, आटा लेकर बैठी है, रो रही है, मुस्तफ़ा कायनात हुजरे के अंदर में दाखिल हुए, देखते हैं कि आयशा रो रही है, तो मुस्तफ़ा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा क्यों रो रही हो, तो अम्मा आयशा ने कहा कही या रसूल अल्लाह मुझे आटा गूंदना नहीं आता है। कुर्बान जाओ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हैं, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया आयशा इसमें रोने वाली की बात क्या है, लाओ आटा मैं गूंद देता हूँ, लाओ आटा मैं गूंद देता हूँ। इसलिए नौजवानों घर के अंदर में बीवी के कामों में हाथ बटा देना ये नबी की सुन्नत है, और जो नबी की एक मुर्दा सुन्नत को जिंदा करेगा अल्लाह उसे 100 शहीदों का सवाब अता फरमाएगा। मेरी माँ बहनों तुम्हारे लिए चार बातें,
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया, ए हव्वा की बेटियों, ए आदम की बेटियों, ए अल्लाह की बंदियों, दुनिया के अंदर में चार काम को रेनो, चाटे काज को रेनो, जन्नत आटा दरवाज़ा, जेटे दरवाज़ा चाहो जन्नत दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, चार काम कर लो दुनिया में, जन्नत के आठ दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या बातें हैं, क्या काम है, किसके लिए है? हाँ, तुम्हारे लिए नहीं है ये, औरतों के लिए है, मर्दों के लिए नहीं है। मेरी माँ बहनों, वो चार काम कौन से हैं? पहला काम, नमाजों की पाबंदी करना मेरी माँ बहनों। पहला काम, प्रथम काम, नमाज को कभी मत छोड़ना मेरी माँ बहनों। जब तक कोई मजबूरी ना हो, नमाज को कजा मत करना, नमाजों को ना छोड़ना। काम छूट जाए छोड़ देना, लेकिन नमाजों को मेरी माँ बहनों ना छोड़ना। दूसरा काम, जब रमज़ान का महीना है मेरी माँ बहनों, रोज़ा रख लेना अल्हम्दुलिल्लाह। और तीसरा काम मेरी माँ बहनों, अपनी इज्जत व इज्जत की हिफाजत करना, पर्दे का ख्याल रखना। और मेरी माँ बहनों, चौथा काम, अपने शौहर की खिदमत करना, अपने शौहर की फरमाबरदारी करना, अपने शौहर की इताअत करना। मेरी माँ बहनों, शौहर राजी अल्लाह राजी, शौहर नाराज अल्लाह नाराज। तुम में सबसे अच्छा वो है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता हो। इसलिए मुसलमानों, अगर अपनी बीवी से छोटी मोटी गलती हो जाए, भूल चूक हो जाए, उसे माफ़ कर देना है, उसे गाली नहीं देना है, उसे सज़ा नहीं देना है, उसे मारना नहीं है। इंशाल्लाह करेंगे अमल, इंशाल्लाह भाई, इंशाल्लाह अमल करेंगे। और एक बात याद रखिए, आपकी बीवी है, नौकरानी नहीं है। अच्छा, औरतों के ऊपर में, बीवी के ऊपर में ये जिम्मेदारी नहीं है कि वो रोटी बना के आपको खिलाए, भात बना के आपको खिलाए। हाँ, हमारी माँ बहनें बहुत खुश हो रहे हैं कि ठीक है जी, कल से आराम मिली थे हमारा मुन्ना के बापे रोटी बने थे। हाँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि औरतों के ऊपर में नहीं, ये हमारी माँ बहनों का अखलाक, अगर रोटी बनाकर खिला दे, खाना बनाकर खिला दे, अल्हम्दुलिल्लाह, ये उनकी मोहब्बत है, अच्छी अखलाक है। इसलिए कि तुम जब निकाह करते हो भाई, जब तुम निकाह करते हो तो हज़रत निकाह पढ़ाते हैं, हज़रत निकाह पढ़ाते हैं कि फ़लाँ की बेटी, अब्दुल्ला की बेटी जीनत परवीन को देन महर मबल्लग 50,000, अलावा नान नफका के नान मैंने रोटी, नफका मैंने कपड़ा, यानी रोटी तो खिलावा। अब रोटी चाहे बना के खिलाइए, चाहे होटल से ला के खिलाइए, बीवी के जिम्मे थोड़ी एक रोटी बना खिलाएगी। जिंदगी मेरी गुजरे, जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में जिंदगी मेरी गुजरे, या खुदा मदीने में, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे, मौत भी मेरी लिख दे, या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे। मौत का शेर था, कोई सुभान अल्लाह नहीं बोले, सब सोच रहा है कि जलसा छे कहीं को बुलना भेजे, मौत से बहुत डर। अरे मरना है कि नहीं है, मरना है ना, कब मरना है? अरे बोलो, वक्त मुतय्यन है, मुकर्रर है, जब मौत आएगी तो इंशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तैयार हैं। तो तैयारी, मोमिन को हमेशा तैयार रहना चाहिए, मुसलमान को हमेशा तैयार रहना चाहिए, सिपाही हमेशा तैयार रहता है। मौत से हम डरते नहीं हैं, ए मौत तू आ जा, हम तेरा इस्तकबाल करते हैं।
एक आदमी गठरी लेके सर पे जा रहा था, मजदूर आदमी था, अंधेरा था, सूरज डूब गया था, बस्ती से बाहर ना वो रास्ते में जा रहा था, ठोकर लगी, गिर गया तो बोला या अल्लाह कितना गरीब बनाया, कमाऊ ना तो खाना नहीं मिले, अल्लाह तू मौत के भेजी दा हमें मरीज जिंदा नहीं रहे। बैठ के रो रहा था, उसी बस्ती का कोई मनचला था, वो सुन लिया कि ये मौत की दुआ मांग रहा है, बोला अच्छा ठीक है। ये काली चादर ओढ़ा ये नौजवान मुंह ढक के उसके आगे मांग गया, बोला के छो भैया, बोला हम तो मौत, बोला मौत है तो यहाँ क्या करने आए हैं, तो बोला कि अभी तुम दुआ मांगे थे अल्लाह मौत को भेज दे, बोला नहीं मुंह हज निकली के ले रहा हूँ, एक गठरी गिरी जल्दी उठाता मैं जल्दी घर जो। मौत से डरो नहीं, मौत की तैयारी करो मेरे बच्चों नौजवानों, अल्लाह का कानून है, ये दुनिया की रीत है, जो इस दुनिया में आया है एक दिन इस दुनिया से जाना पड़ेगा। मौत भी मेरी लिख दे या खुदा मदीने में, मौत भी मेरी लिख दे हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही। कितने लोग हाजी हैं इस मजमे में हाथ उठाइए, तो कोई हाजी साहब है, एक हाजी साहब बच्चों हाथ उठा दो, हाफी साहब समझ गए, हाफी साहब नहीं हाजी साहब। एक आदमी हज करके आया तो कुछ लोग नमाज पढ़ के मस्जिद से निकले तो हाजी साहब से मुलाकात हो गई, तो एक नमाजी बोला के हाजी साहब आपका नाम क्या है, तो हाजी साहब बोला के हमरो नाम छे हाजी अब्दुल गफूर। अब बहुत अच्छा, तो अब हाजी साहब उनसे पूछा नमाजी की तोर नाम की छो, तो आदमी बोला कि हमर नाम छे नमाजी अब्दुशकूर। लगे भाई नमाजी कहीं लगाता आदमी नाम के आगे कहीं नमाजी लगाता है, तो नमाजी बोला कि आप एक मर्तबा हज किए तो नाम के आगे नाम के पीछे हाजी लगाते हैं, हम दिन में 5 मर्तबा नमाज पढ़ते हैं तो हम नमाजी नहीं लगाएंगे। हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, हाजियों ने जाते ही ये कहा मदीने में, ये कहा मदीने में, जो कहीं नहीं पाया, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जो कहीं नहीं पाया वो मिला मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे या खुदा मदीने में, जिंदगी मेरी गुजरे। इत्मीनान के साथ आप बैठे हैं, संजीदगी के साथ आप बैठे हैं, मैं तो बस यही दुआ करता हूँ अल्लाह आपके आने को, अल्लाह आपके बैठने को, अल्लाह आपके सुनने को, अल्लाह मेरे बोलने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह एक वादा करो को दुआ करके उठेंगे इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार हैं जो सब दुआ करके उठेंगे वो हाथ उठा के बताएं हजरत को। माशाल्लाह, ऐसा ना हो कि मेरी तकरीर खत्म हो जाए आप 9:11 हो जाइए। जितने भी हमारे उलमाए किराम आए हुए हैं सबकी तकरीर को सुनना है, तकरीर को सुन के दुआ करके जाना है, दुआ। अरे बोलो भाई, ये मेहनत हो रही है, ये मेहनत हो रही है, आप जो बैठे हैं ये मेहनत हो रही है,
तो मजदूर वो है जब मेहनत करे तो मजदूरी लेकर जाए। मजदूर मजदूरी बोलो भाई लेकर जाए। तो ये अभी आप बैठे हो, ये मेहनत हो रही है, मजदूरी लेकर जाना। अब मजदूरी आपकी क्या होगी? दुआ, दुआ होगी। अल्लाह इनाम देगा, अल्लाह का इनाम होगा, अल्लाह का इनाम होगा। और अल्लाह का इनाम क्या है? जन्नत। अल्लाह का इनाम क्या है? जन्नत। इंशाल्लाह जन्नत में जाएंगे। कितने लोग जाएंगे? बुढ़वा लोग नहीं जाएगा, बुढ़वा लोग घबरा गया होगा कि मौली साहब की बोले जी, हमें नमाज पढ़े जो, कुरान पढ़े जो, रोज़ा रखे जी, हमें नमाज जो जन्नत में ले जाए। अब बूढ़ा जाएगा, अल्लाह पहले जवान बनाएगा, फिर बूढ़े को जवान बनाकर अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। सुभान अल्लाह, बोले तो माशाल्लाह। अल्लाह पहले जवान बनाएगा, बूढ़ा हो चाहे बूढ़िया हो, अल्लाह जवान बनाएगा। 33 साल की उम्र होगी और कुर्बान जाओ, अल्लाह जन्नत के अंदर में दाखिल करेगा। जन्नत में बेशुमार अल्लाह ताला की नेमत, दूध की नहर एक तरफ, शहद की नहर एक तरफ। कुर्बान जाओ नौजवानों, जन्नत में मजे ही मजे हैं, जन्नत में बाहर ही बाहर हैं, जन्नत में जहां चाहो वहां घूमो, जन्नत में जो चाहो वो खाओ। एक आदमी बोला कि हजरत जन्नत में बीरी पिए मिलते हैं। हमने कहा कि बीरी बीरी पीने के तो मिलेगा, लेकिन बीरी जलावेल तो राग 200 कम जमे लगता। हाँ तो आग जन्नत में आग नहीं मिलेगी ना, तो आग मिलेगी जहन्नम में। बोला नहीं, तब तो बहुत झमेला छे हो। जन्नत की बहारें हैं नौजवानों, और ये खुशखबरी है नौजवानों के लिए, जन्नत में दाढ़ी नहीं होगी। जन्नत में दाढ़ी एकदम सफा चट मैदान क्लियर। और कुर्बान जाओ, अब वहाँ की जो खूबसूरती होगी ना, हो नौजवानों कुर्बान जाओ, खूबसूरती का एक बाजार होगा जन्नत में। कुर्बान जाओ, उस बाजार में जब बंदा जन्नती जाएगा, उसका उसकी खूबसूरती बढ़ जाएगी, शक्ल बदल जाएगा, खूबसूरत हैंडसम, ऐसा लगेगा कि फेयर एंड हेल्डर शोल्डर क्रीम लगाया है। अच्छा जन्नत का सिस्टम क्या होगा? जन्नत में पेशाब का झमेला खत्म। पेशाब जन्नत में, अरे बोलो भाई, आई जो दुनिया में फैक्ट्री भरते हो और उधर से निकालते हो, जन्नत में झमेला नहीं है। जन्नत में पखाना नहीं होगा, जन्नत में पेशाब नहीं होगा, जन्नत में खखारते हो जो थूक निकालते हो ये नहीं होगा। तो पता ये चला कि फिर जन्नत में जब पखाने नहीं होगा, इसका मतलब खाना नहीं मिलेगा। तो खाना मिलेगा, खाना मिलेगा, अब मिलेगा ऐसा मिलेगा जो चाहिएगा वो मिलेगा। अब वहाँ झमेला नहीं है, ऐसा नहीं है, दुनिया में तो बहुत झमेला है। अरे गोश खाता हो तो जेबे लगते हमारा रानीगंज, जेबे लगते अररिया, जगह गोश ले आओ। ये गए मोटरसाइकिल स्टैंड के कसाब किया गए, 1 किलो गोश्त द खस्सी बकरा कर गोश्त द। अब वो गोश्त लेकर के आए, बीवी को दिए, ये फुदकी में गोश्त बना। फुदकी नाम छे कि नहीं छे बोला? अरे बोला ना, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, ये नाम तो कुछ नहीं है, फुदकी नाम छे फुरगुन, हस्सो बेचनी फुदकी, क्या क्या नाम है, अल्लाह रहम फरमाए। ऐ ऐ मेरी माँ बहनों सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। एक बात याद रखो, बच्चा जब घर में पैदा हो, माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, लेकिन औलाद के भी कुछ हक माँ बाप के ऊपर में है। वो औलाद का हक ये है कि जब बच्चा पैदा हो तो सबसे पहला हक बच्चे का ये है कि उसके दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, ये बच्चे का हक है। और दुनिया में जो जिसका हक को मारेगा, जो जिसके हक को मारेगा, अल्लाह की बारगाह में कयामत के दिन वो अल्लाह का मुजरिम होगा। तो जब बच्चा पैदा हो तो क्या करना चाहिए? अरे बोलो भाई क्या करना चाहिए? अजान कौन देगा?
अरे बोलो ना मौली साहब को, किसको बुलाओगे? अरे बोलो भाई किसको बुलाओगे? मौलवी साहब को। कहा है बच्चा पैदा तुम करो, आ जाओ मौलवी साहब देगा। लज्जे वाली बात, आप अजान नहीं दे सकते, मुर्गा का गोश्त तुम खाओ, अजान मौलवी देगा। ब्याह करोगे थपाची गाड़ी जहेज में तुम लोगे, अब बच्चा पैदा होगा तो मौलवी साहब अजान देगा। है 3 लाख टका जहेज तुम लिए, मजे तुम उड़ाओ, अब बच्चा जब पैदा होगा अजान मौली साहब देगा। ओ भाई बोशे जाओ, घने बोशे जाओ। ए बाबू ए बैठो बैठ, बहुत बेचैन है वो, बैठ जाओ बैठ जाओ। एक लड़का का नाम था इस्लाम, क्या नाम था बोलो? इस्लाम। अभी वो जलसा मैवे किया था, सोच रहा था कहाँ बैठे, पीछे में था वो, हजरत तकरीर कर रहे थे, एक जुमला आ गया कि लोगों इस्लाम कितना पीछे। वो सुन लिया, बोला मौली साहब हमारा पहचान ही नहीं। अल्लाह, तो मौली साहब हमको जान रहा है, तो पीछे नहीं बैठा वो, आकर के बीच में बैठा। कुछ देर के बाद हजरत फिर बोले कि लोगों इस्लाम कितना पीछे है, बीच से उठ के आके आगे में बैठा। लास्ट में हजरत कुछ देर के बाद फिर बोले कि लोगों इस्लाम अब भी पीछे है, तो वो खड़ा हो गया, हजरत को बोला अब कहाँ बैठो, तो मुँह में बैठो। जलसे में आए हो कुछ लेकर जाओ, तो हम कहते हैं कि बच्चा जब पैदा हो तो दाहिने कान में अजान दो, बाएं कान में तकबीर पुकारो, और लगे हाथ बच्चे का एक अच्छा सा नाम रख दो। ये बच्चे का हक है, बच्चे का। और सुनो कैसा नाम रखोगे, जिस नाम को अल्लाह अल्लाह के रसूल ने अच्छा कहा है, अच्छा नाम रखो। अच्छा नाम हमारे कहने से अच्छा नहीं होगा, जिस नाम को अल्लाह ने अच्छा कहा है, जिस नाम को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह ने अच्छा कहा है, वो नाम अच्छा रखो। तो कौन रखेगा नाम? अरे नाम कौन रखेगा? बाप, बाप रखते हैं। तो बाप रखेगा तो ऐसे ही नाम होगा। बच्चा घर में पैदा हुआ, औरतें चिल्लाई लड़का बेलो जे, लड़का बेलो जे, नाम रखी दो। तो बाप बोला कि आज कौन दिन छे? बोले जुमा। बोले कर नाम रखे जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ, शनिचर। इतवार को पैदा हुआ, इतवारी। सोमवार को पैदा हुआ, सोमवारी। मंगल को बच्चा पैदा हुआ, बोले इसका मंगरू, इसका नाम रख दो मंगलू। मंगल को बच्चा पैदा हुआ, मंगरू बचाएगा डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ, फाइनल नाम, बोले इसका नाम रख दो बुधवा। कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो, नाम का जात पर असर होता है। इंशाल्लाह अपने बच्चों के अच्छे नाम रखेंगे, इंशाल्लाह हाथ उठाओ इंशाल्लाह। तो हम नहीं जानते हैं, हम नहीं रख पाएंगे, हम माने नहीं जानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर में लड़का हुआ है, मेरे घर में लड़की हुई है, मेरे घर में बच्चे की विलादत हुई है। हम नहीं जानते हैं, हम मुफ्ती साहब से रابطہ करेंगे, हम मौलाना साहब से पूछेंगे, इमाम साहब से पूछेंगे, कारी साहब से पूछेंगे, हाफिज साहब से पूछेंगे। हजरत मेरे घर में बेटी पैदा हुई है, हजरत मेरे घर में बेटे की विलादत हुई है, हजरत कोई अच्छा सा नाम रख दिए, तो इंशाल्लाह मुफ्ती साहब जो भी नाम रखेंगे इंशाल्लाह अच्छा नाम रखेंगे, वो अच्छा नाम जो अल्लाह को भी पसंद हो, अल्लाह के महबूब को भी पसंद हो। कारी साहब जो नाम रखेंगे इंशाल्लाह वो अच्छा नाम रखेंगे, इमाम साहब जो नाम रखेंगे इंशाल्लाह वो अच्छा नाम रखेंगे, ऐसा वैसा नाम नहीं होगा। एक लड़का 13-14 साल का लड़का था, मेरा पैर दबा रहा था, एक जलसे में गया था इधर किशनगंज साइड में, तो बड़ी खिदमत किया। तो हम बोले बेटा, अब वो लोग सुरजापुरी बंगाली बोलते हैं, सुरजापुरी बंगाली जानते हैं ना, तो हमने कहा कि बेटा तोर नाम की रे? बोला नहीं बोलूँ मोगलाज लगो। हाँ बोला नहीं बोलूँ मोगलाज लगो। बोले लाज लगो, क्या लाज लगो रे? अरे नाम बोल नहीं रे, तोर नाम की रे? बोले हजरत मोर नाम छे फटकन। फटकन के रखियाल को तोर नाम रे? ये नाम तुम्हारा किसने रखा? तो वो नौजवान वो लड़का बोला कि मेरा दादा रखे थे। तो हमने कहा कि तुम्हारे दादा का नाम क्या था? तो बोला मेरा दादा का नाम था लटकन। हमने कहा ठीक है रहा, वो लटकते रहेगा, तुम फटकते रहो।
अच्छा एक बात बताओ नौजवान हो, एक बात याद रखो कुर्बान जाओ। अभी मीडिया वाला अफगान ये फिलिस्तीन, अभी इसराइल से जंगे हो रही है, कुर्बान जाओ। ईमान देखना है तो फिलिस्तीन के मुसलमानों का देखो। हम लोग तो खाली डिब्बा हैं, हम लोगों के पास में कुछ नहीं है, ये सिर्फ दिखावे के मुसलमान हैं। मुसलमान ईमान किसे कहते हैं, फिलिस्तीन के नौजवानों को देखो। शौहर की लाश पड़ी है, एक बहन हमारी गोद में एक 4 साल के बच्चे की लाश लेकर बैठी है, आंखों से आंसू बह रहा है। किसी पूछने वालों ने पूछा, बहन इस वक्त कैसा महसूस कर रही हो, एक तरफ तुम्हारे शौहर का लाश है, गोद में बच्चे की लाश है, तो कुर्बान जाओ। वो मेरी फातिमा बहन कहती है कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जिसमें राजी हो उसकी बंदी भी उसी में राजी है। मेरा एक बच्चा क्या, अगर मेरा 10 बेटा शहीद हो जाए इस्लाम के लिए मुझे गम नहीं है। फिलिस्तीन के नौजवानों से मीडिया वालों ने पूछा, आपकी उम्र कितनी है, बोला मेरी उम्र 38 साल है। कहा कि आपके कितने बच्चे हैं, कुर्बान जाओ। उस नौजवान ने कहा, अभी तक मैंने निकाह नहीं किया है, जब निकाह ही नहीं किया तो बच्चे कहाँ से होंगे। तो मीडिया वालों ने कहा कि आपने निकाह क्यों नहीं किया, 38 साल उम्र हो गई, अब 40 साल उम्र होने वाली है, तो कुर्बान जाओ। उस नौजवान ने कहा कि हम फिलिस्तीनी नौजवानों ने कसम खाया है कि जब तक मस्जिद अक्सा को आज़ाद नहीं करा लेंगे हम लोग निकाह नहीं करेंगे। सोचो ईमान इसे कहते हैं। वो हमारा क़िबले अव्वल मस्जिद अक्सा, सुभानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। कुर्बान जाओ नौजवानों, अल्लाहु अकबर कबीरा। आज हमारे नौजवानों का आलम यह है, एक वो नौजवान है उन्होंने कसम खाई है कि जब तक मस्जिद अक्सा को यहूदियों के चुंगुल से, यहूदियों के हाथों से आज़ाद नहीं करा लेंगे उस वक्त तक हम निकाह नहीं करेंगे। और हमारे नौजवानों का आलम यह है, मोबाइल में 4-4 लड़की का फ़ोन नंबर, बोलो बात सही कि गलत है बोलो। और कुर्बान जाओ लड़की का फ़ोटो लेके मोबाइल में घूमता है, अब माँ से बोलेगा एक रे से भी आकर वो बाबा को बोली दिए। बोलो तुम कहाँ चले, कहाँ गए वो मुसलमान अगले ज़माने वाले, कैसरों किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद न खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घर आने वाले। कहाँ गए वो मुसलमान, तुम कहाँ खो गए। फिलिस्तीन के नौजवान का कुछ पैगाम है, अगर आपकी इजाज़त हो तो सुना दूँ। अरे सुनोगे, रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, इसलिए नौजवानों अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, रमज़ान का महीना आए इस महीने का एहतराम करना अल्हम्दुलिल्लाह, और पाबंदी के साथ 300 रोज़े रखना, बड़ा मुबारक महीना है, बड़ा मोहतरम महीना है, बड़ा मुकर्रम महीना है। इसलिए अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करते हो। मुसलमानों घर सिर्फ दौलत से नहीं चलता है, घर सिर्फ पैसों से नहीं चलता, घर सिर्फ सोने से नहीं चलता है, घर अच्छे अखलाक से चलता है, अच्छे अखलाक से चलता है। अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक करो, अपनी बीवियों के साथ अच्छा सलूक करो, औरतों के साथ अच्छा सलूक करो। कुर्बान जाओ अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें नेक बातें सुनने ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमा दे, आमीन बोला। अल्हम्दुलिल्लाह ये कई बातें पैगाम मैंने पहुँचा दिया, नमाजों की पाबंदी मेरे बच्चों नौजवानों, काम छूटे छोड़ देना नौजवानों। देखो तुम किसान हो, काश्तकार हो, खेत में काम करते हो, नमाज का टाइम हो गया है, मोबाइल है, घड़ी है, अल्हम्दुलिल्लाह खेत से मस्जिद दूर है, और कुर्बान जाओ अल्हम्दुलिल्लाह खेत में नमाज का वक्त हो गया है, पानी है, वजू बनाकर नमाज पढ़ लो, पानी नहीं है तो मिट्टी है, मिट्टी से तयम्मुम करके नमाज पढ़ लो। लेकिन नमाज को कभी मेरे बंदो, मेरे बच्चों नमाजों को कभी नहीं छोड़ना है। दुकान में हो अल्हम्दुलिल्लाह वही नमाज का वक्त हो गया है, वही नियत बांध कर खड़े हो जाओ। घर में हो, मस्जिद करीब अल्हम्दुलिल्लाह तो अजान हो गई है तो मस्जिदों को आबाद करो। इसलिए नमाज कुछ मांगती नहीं है मेरे बच्चों, नमाज तो देना चाहती है। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूं कि इबादत करो तुम सदा अपने रब की,
ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी, इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो दो गज जमी ही मिलेगी, यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो दो गज जमी ही मिलेगी। صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. এইটাই থেকে বসে আসা আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম শোরা এজাম নকিবে হিন্দুস্তান পিন্ডাল থেকে বসে আসেন আমার দাদা ভাইরা আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আসে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি। আপনারা শুনতে পারলেন না, আমি সালাম করলাম। আল্লাহ নবীর ফরমান আছে, যদি তোমাকে কই সালাম করে ওনার সালামের ভালো জবাব দাও, কি এইটা ভালো জবাব ছিল যেটি আপনি দিলেন? একবার আর চেষ্টা করছি, দেখছি কত লোক আমার সালামের ভালো জবাব দিচ্ছে না। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। ওয়ালাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আচ্ছা এক চিজ বাতাইয়ে হমকো, পড়ে লিখে লোক ইয়াহাঁ পর বৈঠে হুয়ে হ্যায়, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया कि नहीं दिया? बोलिए। अरे बोलो भाई। देखने के लिए आंख दिया, सुनने के लिए कान दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, तो अल्लाह ने बैठने के लिए कुछ दिया है कि नहीं दिया? अल्लाह बैठने दिल कर। अरे बैठो ना। ए कब तक खड़े रहे? जल्दी 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 है। हजरत की बातों का लाज रखते हुए हम लोग आ गए पिंडाल में। आ जाइए भाई, सब लोग आ जाए, कोई खड़े ना रहे। अच्छा आप लोग भी अगर जहमत ना हो, तकलीफ ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे ना बढ़ जाइए, पीछे जगह बैठने वालों को जगह मिल जाए। जल्दी जल्दी किसी की आगे जल्दी जल्दी हिलिए, खाली ध्यान रहे किसी का हाथ किसी के जेब में ना जाए। जल्दी करो। माशाल्लाह ये देखिए सारा लोग, ये सब नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान है, सब बैठ जाएगा। अभी बाप रे बाप, ये सब पढ़ा लिखा, इसमें से एक भी जाहिल नहीं है। ये देखिए सब पढ़ा लिखा, देखिए सब बैठ गया, देखिए पढ़े लिखे की बातें कुछ और। बैठ जा बेटा। ए बेटा तुम पढ़ा लिखा नहीं हो क्या? बैठो जाओ। हाँ बैठ गया। बहुत अच्छा। अच्छा कुर्सी मायतल कुर्सी वाले लोग बैठे हुए हैं, इनको डिस्टर्ब करना मुनासिब नहीं है। आप लोग ठीक हैं, वहीं बैठे रहिए, बस जल्दी बैठ जाइए, संजीदा हो जाइए। 15 से 20 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो जाएगी माशाल्लाह। ज़रा जी लगा कर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आली इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? अरे दुरूद शरीफ सब पढ़ लिए? कैसे पढ़ लिए? अरे सब कैसे पढ़ लिया? ये हो ही नहीं सकता है। पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जिसको याद नहीं उसको कहाँ पढ़ेगा वो? अफसोस का मकाम है। मुसलमान का बच्चा हो दुरूद ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो तहियात ना जानता हो, मुसलमान का बच्चा हो दुआए मशूरा याद ना हो, दुआए कुनूत याद ना हो, सूरह फातिहा याद ना हो, सूरह अखलास याद ना हो, सूरह कौसर याद ना हो, कब याद करोगे? गाने तो तुम याद कर लेते हो। अगर याद नहीं होते तो तुमसे दुआएं याद नहीं होती है। इंशाल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे। एक वादा करो कि जब तक मेरा बयान होगा कोई जाना आना नहीं करेगा। जाएगा? अरे बोलो जाएगा। ये लग ले
एक जगह तकरीर कर रहा था, एक नौजवान खड़ा हुआ, मैंने कहा क्या हुआ, बोला है बोल बैठो। 10 मिनट के बाद फिर खड़ा हुआ, मैंने कहा किबलो रे, बोले मुझे बहुत जोर से लग रहा है, बैठो नौजवान है बर्दाश्त करो बैठो। वो बैठ गया। कुछ देर के बाद मेरी तकरीर ख़त्म हो गई, नज़र पड़ी देखे बैठा हुआ है, तो हमने इशारा किया बेटा जो, बोला नहीं जो है। हमने कहा काहे नहीं जाएगा, तो नौजवान बोला क्या करने जाएंगे, जो करने जा रहे थे वो यहीं होगी, अब जाने की जरूरत नहीं। अल्लाह आपके आने को बैठने को सुनने को अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, आमीन बोले दला। बस इंशाल्लाह कुछ पैगाम है कुरान के हवाले से, नमाज के हवाले से आप तक पहुंचाना है। अगर आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर सुना दें। अरे बोलो भाई सुना दें। आप जाने का फैज़ा नहीं बनाएंगे, जैसे अभी आप बैठे हैं उसी तरीके से मेरी तकरीर के बाद भी आप बैठे रहेंगे, मेरे बाद भी बड़े बड़े जय्यद आलिम दीन तशरीफ़ फरमा है, उनकी तकरीर को अदब के साथ सुनना है।